बच्चे शाउटिंग, दौड़ के 10 टाइम्स कदम ताल शुरू कर। Good morning, gentlemen. Here, Senior and Officer Tejendra Singh Rathod from NCC 7th Raj. Let me tell you first what NCC gives you. It gives you a rank, at least an ex-cadet, which you hold all your life. When some of my friends, and I will say all of my friends, came to college with shined and polished faces, we, cadets of NCC, doing parade, ragda, having mud and sweat on our faces in the ground. But yet, Josh is high. I can't tell you how immense pleasure we feel when we shine our polished our boots and iron our uniforms. NCC doesn't only mold you physically, but mentally and spiritually. It imbibes four cardinal qualities. First, be punctual. Second, work hard with no fuss. Third, tell no lies, make no excuses. Fourth, and the most important, obey with smile. Always obey with smile. Let me tell you, my friends, there is a saying we call Jitna Ragda, Utna Tagda. Holds true, my friend, holds true. NCC has nurtured us from the chosen ones we are today. Once a cadet, always a cadet. Proud to be part of this organization. Jai Hind. NCC के दौरान मैंने सीखा कि सिर्फ फिजिकल ही नहीं, साइकोलॉजिकल और यूनिटी भी हमारे साथ, हमारे मतलब मेंटल लेवल को डेवलप किया जाता है. एनसीसी के कैंप के दौरान हमें 10 दिन कैंप में रखा जाता है, जहां दिन और रात हमें उसी कैंप में रहकर हमें ड्रिल प्रैक्टिस, वेपन ट्रेनिंग, योगा, सब तरह की प्रैक्टिसेस करवाई जाते हैं. स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट होते हैं, कल्चरल इवेंट होता है. तो एनसीसी सिर्फ एक ड्रिल मात्र से नहीं जानी जा सकती, इसे हमें पूरे तरीके से देखना होगा कि एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स की तरह है, जो कि आपको सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बींग से एक वेल मैनर्ड डिसेंट पर्सन बना देता है. एनसीसी कैंप के दौरान आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि आपको हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में आप यूनाइट ना कर पाए, टीम स्पिरिट ना रख पाए, लेकिन एनसीसी के 10 दिन के कैंप के दौरान आपके अंदर एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा टीम स्पिरिट की भावना आएगी. आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझोगे और दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करोगे. एनसीसी में आप सिर्फ ये नहीं सीखते कि आपको सिर्फ ड्रिल करना है, ड्रिल की वैल्यू सीखते हो कि ड्रिल करना क्यों इंपॉर्टेंट है. ये आपको डिसिप्लिन बनाता है, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में आपको हेल्प करती है. एनसीसी में ड्रिल भी काफ़ी तरह की होती है. एनसीसी में बहुत सारे कैंप करवाए जाते हैं, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, बीएलसी, एएलसी, आरडीसी परेड. जो आरडीसी परेड होती है, उसके थ्रू बच्चे हमारे राजपथ में, एनसीसी के स्टूडेंट्स जो कैडेट्स होते हैं, वो राजपथ पे ड्रिल करने जाते हैं. एनसीसी में आपको मेडिकल नर्सिंग, जो नॉर्मल नर्सिंग होती है, कि हमें कभी भी इंस्टेंट किसी की मदद करनी पड़ जाए, जैसे रोड एक्सीडेंट्स पे, स्नेक बाइट्स के लिए, कभी किसी को हार्ट अटैक आए, तो हमने ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एनसीसी कैंप फेस की. ऑफिसर सचिन यादव, मैंने एनसीसी इसलिए ली क्योंकि मेरा आर्मी बैकग्राउंड था, तो मेरे घर में आर्मी का माहौल था. इसके साथ साथ मेरी सिस्टर भी एनसीसी में थी, तो मुझे एनसीसी के बारे में बहुत कुछ मालूम था. जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने कई तरह के एनसीसी एक्टिविटी देखी, तो मेरा एनसीसी के प्रति रुझान बढ़ा. मैंने अपने एनसीसी करियर के दौरान कई तरह के कैंप अटेंड किए, जैसे सीएटीसी हुआ, और मैंने उन कैंपों के अंदर ड्रिल एक्टिविटी के साथ साथ जो ब्लड डोनेशन एक्टिविटी थी वो भी की मैंने, और मैंने एक बार आरपी होल्डर के रूप में मैंने काम किया. मैं ये मानता हूँ कि देश हित के लिए आर्मी से अच्छी कोई सेवा नहीं हो सकती, तो मैं अपने देशवासियों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जरूर जरूर आर्मी में पार्ट लेवे. जय हिंद.